सास हो, माँ मत बनो। सिमरन की नई नई शादी होती है, वो सबके लिए नाश्ता बनाने जा रही थी, लेकिन तभी वो रसोई में देखती है कि उसकी सास अनीता ने पूरा नाश्ता बना दिया है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। अरे माँ जी, आपने क्यों खाना बना दिया, मैं आ तो रही थी बनाने। शादी ब्याह की रस्मों में वैसे ही तो बहुत थक गई होगी ना, तो मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ। और वैसे भी हम दोनों सास बहू में तू बनाए मैं बनाऊ, बात तो एक ही है ना। बनाना तो हमें ही है, तो आज मैंने बना दिया, कल तू बना दियो, कोई बात नहीं। लेकिन माँ जी, मेरे होते हुए आप खाना बनाए, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए अब मैं इस घर की बहू हूँ और मैं आ गई हूँ घर में, तो अब से मैं ही खाना बनाया करूँगी। अरे बहू, तब तो तू गलत बोल रही है, तू घर की बहू नहीं बल्कि बेटी है, और मेरी बेटी कभी कभी आराम भी कर सकती है, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त रसोई में घुसी रहे। मैं ऐसा कभी नहीं सोचती, इसलिए तू भी ये सब सोच अपने दिमाग से निकाल दे, और तुझे जो ठीक लगे तू वही कर बहू। नहीं नहीं बहू आई है, तभी दिखावा कर रही है अच्छी सास बनने का, वरना मैं भी जानती हूँ ये सारी सास एक जैसी होती है, अपनी बहू पर हुक्म चलाने वाली और उन्हें दबा कर रखने वाली। अच्छा बहू, मैंने सारा काम तो कर दिया है, अब बस बाहर जाकर तू खाना लगा दे, और आज वहीं पर बैठकर तू भी खाना खाना सबके साथ। नहीं नहीं माँ जी, आप सब खाना खा लीजिए और आप जाइए, मैं खाना लगा दूंगी। आप सब खाना खा लेंगे, बाद में मैं खाना खाकर बर्तन भी धो दूंगी, ठीक है। अरे बहू, इतने सारे बर्तन तू अकेले कैसे धोएगी, मुझे बुला ले, मैं भी तेरी मदद कर दूंगी। दोनों धोएंगे ना तो साथ में मिलकर जल्दी काम हो जाएगा, फिर बाद में बैठकर हम दोनों बातें करेंगे, क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं। माँ जी, आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा ही कर रही हो आप? अरे 4 दिन बाद अपना असली रूप दिखा कर रहोगी, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप अभी अपना असली और सास वाला रूप दिखाई दो। सास वाला रूप? अरे बहू ये क्या बोल रही है, मैं ऐसी हूँ और सबके साथ ऐसे ही रहती हूँ, अगर तुझे लग रहा है कि मैं दिखावा कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, अब तो हमारे साथ ही रहेगी और तुझे पता चल जाएगा कि मैं कोई दिखावा नहीं कर रही। अनीता इतना बोलकर खाना बाहर लगाने लगती है। अब ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। सिमरन को यही लगता है कि उसकी सास दिखावा कर रही है, अनीता फिर भी बिना कुछ सोचे समझे बहू के कामों में मदद करवा देती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सिमरन अपने कमरे में अपने पति विवेक से बहुत जोर जोर से लड़ रही होती है, और उन दोनों की आवाज़ बाहर जा रही थी। सिमरन विवेक से कहती है, सच में विवेक तुम ना हद कर रहे हो, अरे तुम तो मेरी सुन ही नहीं रहे हो, ये तो गलत है ना, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी तो किससे बात करूंगी। अरे हद तो तुम कर रही हो सिमरन, मैंने जब बोल दिया कि यही होगा तो तुम मान क्यों नहीं लेती, तुम्हें अपनी बात रखना जरूरी है क्या, और मैंने कौन सी गलत बात की है, मैं भी तो सही कह रहा हूँ ना कि तुम भी बिना बात के तमाशा खड़ा कर रही हो। उन दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनकर अनीता वहां आ जाती है। अरे क्या हो गया, तुम दोनों इतना चिल्ला क्यों रहे हो, तुम्हारी आवाज कमरे के बाहर तक आ रही है, और आवाज सुनकर मुझे आना पड़ा। अरे क्या हो गया, इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हो। माँ बाप ही सिमरन को समझाओ, अरे सिमरन को लगता है कि मैं उसे कहीं घूमने लेकर नहीं जाता, आपको तो पता है ना मुझे कितने काम होते हैं, एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती, मैं कैसे करूं। सिमरन गुस्सा हो रही है, अब मैं क्या कहूं बताओ तो। ये सही है विवेक, माँ जी को बुला लिया ताकि वो तुम्हारी तरफ ले, और मुझे पता है ना शादी के बाद आप मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं गए, पिक्चर तक नहीं दिखाई, और अब आप बोल रहे हो कि मैं समझू, नहीं समझ सकती मैं ये सब। देख रही हो ना माँ कैसे सिमरन बहस कर रही है इतनी सी बात को लेकर, और मुझे भी काम रहता है, मैं कोई टाइम पास थोड़ी ना करता हूँ, और अगर मैंने छुट्टी कर ली तो मेरी ही पगार कटेगी, अब ये सारी बात सिमरन नहीं समझेगी तो मैं क्या करूं। हाँ तो बहू क्यों समझे, अरे गलती तेरी है, शादी को इतना समय हो गया और अब तक तो बहू को कहीं बाहर खाना खिलाने तक नहीं लेकर गया, वो क्या कहते हैं तुम लोग वर्क लाइफ बैलेंस कर लो, वो तू करता नहीं, बहू बेचारी यहाँ पर घर में बोर होती रहती है, और आज तक तूने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं कह रही हूँ आज के आज तू टाइम निकाल और बहू को कहीं घुमाने लेकर जा, ठीक है। ये क्या है माँ जी, आप तो माँ बनने की कोशिश कर रही हो, अरे विवेक जी कह रहे हैं कि जब उन्हें काम है तो आप ये बात समझ क्यों नहीं रही, मैं पत्नी होकर समझने की कोशिश कर रही हूँ ना,
और आप हो कि उनकी माँ नहीं उनकी सास बनके मेरी ही माँ बनी जा रही हो। अब सिमरन को उसकी सास बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो अपनी सास से बात तक करना बंद कर देती है। ये सब अनीता को भी पसंद नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद सिमरन अपने मायके चली जाती है। एक दिन मायके में अपनी माँ के साथ बैठी होती है, तभी उसका बेटा अरुण आता है। माँ अब आप समझाओ अपनी बहू को, जब देखो पीछे पड़ी रहती है, आज तक ढंग का खाना नहीं दिया और मैंने कहा कि मैं बाहर का खा लूंगा तो बोल रही है नहीं तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हें नहीं खाना, तुम्हें घर पर ही खाना है। अरे ये भी कोई बात है भला माँ? अरे तो तू उसकी सुन क्यों रहा है, मैं हूँ ना, मुझे पता है मेरा बेटा कुछ भी करे मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो वो कैसे बोल सकती है, घर की बहू है बहू की तरह रहे, हर चीज में घुसना जरूरी थोड़ी ना है। मैंने भी यही कहा उससे, फिर कहने लगी दो दिन पहले आपकी तबीयत खराब थी, बाहर का खाओगे तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी, माँ जी को जाकर बोलती हूँ मैं, फिर मैंने सोचा वो क्यों कहे, मैं ही आपसे बात कर लेता हूँ सीधा। अरे तूने बिल्कुल सही कहा, तबीयत तेरी दो दिन पहले खराब थी ना, अब तो ठीक हो गया है, अब क्यों नहीं खा सकता। जा बेटा कोई बात नहीं, बहू को बोलने दे, वो तो चिक चिक करती रहेगी, मैं संभाल लूंगी, आई बड़ी घर की चौधरी बनने, जा बेटा जा। मेरे भाई की शादी मुझसे बाद में हुई, मतलब मेरी भाभी बाद में आई है, पर फिर भी माँ उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है, और मेरी शादी को इतना समय हो गया लेकिन आज तक मेरी सास ने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करी। मेरी सास सच में मेरी माँ ही है, मैं ही गलत समझ बैठी, मैं अभी जाती हूँ और उनसे माफ़ी मांगती हूँ। सिमरन तुरंत घर जाती है और अपनी सास को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, लेकिन सिमरन को उसकी सास कहीं नहीं मिलती। सिमरन अपनी सास के कमरे में जाती है, उसे वहाँ भी नहीं मिलती। फिर वो सामान लेने जिस दुकान जाती है, वहाँ पहुँचकर दुकान वाले भैया से कहती है, अरे भैया आपने मेरी सास को देखा है क्या, जब से मायके से आई हूँ तब से दिखी नहीं रही, आपको कुछ पता है कहाँ गई मेरी सास? अरे तुम्हें नहीं पता क्या तुम्हारी सास कहाँ गई, वो तो वृद्धाश्रम चली गई, उस दिन आई थी दुकान से कुछ सामान लिया, बड़ी परेशान लग रही थी, मैंने पूछ लिया क्या हुआ माँ जी सब ठीक है ना, तो बताया कि मैं वृद्धाश्रम जा रही हूँ वहीं रहूंगी। माँ जी वृद्धाश्रम चली गई, हे भगवान ये क्या हो गया मुझसे, अपनी माँ के घर से ससुराल आई और ससुराल में माँ मिली तो मैंने उन्हें वृद्धाश्रम पहुँचा दिया। सिमरन को अपनी गलती पर पछतावा होता है, जिसके बाद सिमरन अपने पति के साथ अपनी सास को ढूंढने की कोशिश करने लगती है। काफ़ी कोशिशों के बाद जब उसे अपनी सासू माँ मिल जाती है तो उनसे माफ़ी मांगती है और बहुत प्यार से उन्हें घर वापस ले आती है।